अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं औरंगजेब शेख आप सबका अपने YouTube चैनल रियाज कुकिंग में वेलकम करता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी टिक्का फ्राई। टिक्का फ्राई बनाने के लिए आपको गोभी के बड़े बड़े साइज में पीसेस करने हैं, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। अब हम गोभी को 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे, यानी इसे बॉइल्ड उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए रखेंगे और उसे फिर ठंडे पानी में धो लेंगे। जी नाज़रीन, अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया हूँ, इसमें अब हम 1 टेबल स्पून विनीगर डालेंगे। वन टेबल स्पून विनीगर डालने के बाद आप अभी आपकी गोभी गर्म पानी में डाल दीजिए। इस पानी में हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक। ध्यान रहे इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने गर्म पानी में रखना है। ये प्रोसीजर इसलिए ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है, वो निकल जाए। 2 मिनट गर्म पानी में पकाने के बाद आप फ्लावर गोभी को ठंडे पानी से धो लीजिए, यानी ये पानी ड्रेन कर लीजिए एक स्ट्रेनर में और उसे ठंडे पानी से धो लीजिए। जी नाज़रीन, अब आप इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब आप इसमें डालिए 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब डालिए इसमें 1 टीस्पून टमाटो केचप, टमाटो सॉस। आप इसमें डालिए 1/2 टीस्पून। अब आप इसमें डालिए 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब आप इसमें डालिए 1 टीस्पून नमक। अब आप इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें डालिए 1 टेबल स्पून तेल, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैरिनेशन रेडी होने के बाद एक आप सेपरेट बॉल ले लीजिए, इसमें आप फ्लावर आपकी गोभी डाल दीजिए। अब जो मैरिनेशन हमने बनाया था वो गोभी के ऊपर डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, अच्छे से कोट कर दीजिए। अब आप इन मैरिनेशन इन गोभी को मैरिनेट कर दीजिए, इस मैरिनेशन में अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। गोभी को अच्छे से कोट करने के बाद आप इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जी नाज़रीन, अब हमारा मिक्सर, हमने गोभी का मिक्सर जो है उसे फ्रिज में से निकाल लिया है 1/2 घंटे के बाद। अब हम इसे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये टिक्का फ्राई है, गोभी टिक्का फ्राई, तो इसे हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए कोयला गरम करके आप इस बाउल में रख दीजिए। जी नाज़रीन,
एक छोटे प्लेट में कोयला रख दीजिए, उस पर आप घी डाल दीजिए या बटर डाल दीजिए। तीन कोयले के ऊपर मैंने घी डाल दिया है आधा चम्मच। अब मैं इसे कवर कर देता हूँ। इसे करीबन 10 मिनट के लिए आपने रखना है, जब तक कि इसका धुआं चला नहीं जाए। जी ना, इसका स्मोकी फ्लेवर अभी बिल्कुल जा चुका है। अब हम इसमें ये मैदा मिक्सर ऐड करें। अच्छा, इस मैदा मिक्सर में हमने 2 चाय का चम्मच मैदा लिया है, 1 टीस्पून व्हीट फ्लोर लिया है, 1/4 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर को गोभी मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे कोटिंग करना है बस हमें। अच्छे से कोट हो जाए इसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आटा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं हमारे मैरिनेटेड गोभी को फ्राई कर लेंगे। अब हमने तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए एक साइड में पकने के बाद में टर्न कर लें। इन्हें पकने के लिए, कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इन्हें हम बैच वाइज फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं होता। अब ये फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें बाउल में निकाल लेता हूँ और फिर इन्हें सर्व कर देता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इन्हें कढ़ाई से निकाला, कितने क्रिस्प हैं, कोई फूड कलर नहीं, एकदम नेचुरल। अब इसे हम सर्व, इन्हें हमने डिश आउट कर लिया है एक प्लेट में, साथ में कैबेज है, पत्ता गोभी और प्याज और नींबू हमने काट के साथ में रख दिया। तो अब ये सर्व हमने कर दिया है।